सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, BB13 मतलब मोस्ट हिस्टोरिक सीजन एवर, और शायद ही कभी भी बिग बॉस 13 को भुलाया भुलाया जाएगा, इनफैक्ट भूल ही नहीं पाएगा कोई। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ टॉप मोस्ट एंटरटेनिंग मोमेंट्स इन BB13। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर वन से। जब नंबर वन की पोजीशन बात करें, पोजीशन हम अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं, आपको अगर और भी पसंद आए हो मोमेंट्स तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला मोमेंट जब विशाल और मधुरिमा की पैन वाली फाइट, यहाँ पे सिद्धार्थ और रश्मि को टास्क दिया जाता है, तो यहाँ पे जब वो लोग फिर से रिक्रिएट करते हैं उन्हीं की वॉइस में, तो बहुत 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 प्यारा सीन था। जब सिद्धार्थ को ये देखिए मधुरिमा का फेस बनाती है रश्मि, बहुत प्यारा ये मोमेंट, एंटरटेनिंग मोमेंट था, लोगों को पसंद भी आया था। और गाइज, ये मोमेंट तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, जब पारस सीक्रेट रूम में गए थे, तो यहाँ पे सीक्रेट रूम से वो लोग टास्क दे रहे थे, हालांकि उन्हें लग रहा था कि बिग बॉस की तरफ से टास्क मिल रहे हैं, अलग लोग दे रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ और पारस दे रहे थे। और ये देखिए आसिम का क्या हाल हो गया था जब उन्हें फोम वगैरह लगाने को कह दिया गया था, एंड आसिम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे आई एम एप्पल पाई, एप्पल पाई। इस तरीके से सिपारस ने उन्हें जो भी रू देते रहते थे वो लोग ऑर्डर्स, वो उन लोगों को फॉलो करने थे। अगर आपने BB13 को देखा होगा तो ये मोमेंट तो आपके दिमाग और जहन में हमेशा रहेगा, जिस तरीके से आज़िम रियाज बहुत फनी लग रहे थे उस समय, मतलब इनफैक्ट बहुत 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 मज़ा आया था ये वाला टास्क देख के, लोगों को बहुत पसंद आया था। एंड एंड शहनाज गिल इंटरटेनिंग के हो और शहनाज गिल की बात ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं। शहनाज गिल का आपको कौए से बात करना किसको भाई याद नहीं होगा, सबको याद है भाई। वही वीकेंड के वार पे सलमान खान भी इस सीन को दिखाते हैं, जिसके बाद लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि शहनाज गिल ही थी मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट इन BB13 एवर, हमेशा रहेंगी और हमेशा शहनाज का नाम एंटरटेनिंग के मामले में नंबर वन पर रहेगा गाइज। तो ये वो बहुत प्यारा मोमेंट था। और नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट तो बहुत मज़ेदार है। जैसे ही बिग बॉस के घर में शहनाज की एंट्री होती है, उसके एक दो दिन के अंदर ही शहनाज ने जब कोयना मित्रा की मिमिक्री की थी, जी हाँ कोयना मित्रा की एक्टिंग की थी, तो आप देख सकते हैं जो कंटेस्टेंट थे वो खुद लोटपोट हो गए थे। उन्होंने यहाँ तक कि आरती ने कहा तुझे तुझे मारेगी तो मुक्के आके, इस तरीके से आरती ने बोला, तो कहती कर ठीक है ना, नॉमिनेट होके घर चली जाएगी, मुझे तो मज़ा आ जाएगा। मतलब कोयना की जो एक्टिंग की थी लोगों को बहुत पसंद आई थी। मतलब आपको जो भी और भी मोमेंट अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।